आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। पंजाब से ऐसी पैदल आ गई हो, कहाँ जाना है? मगोगा एमपी, महोबा झांसी। झांसी कहाँ जाना है तुम्हें? झांसी। झांसी जाना है? प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, बसों की तुम लोगों को जानकारी नहीं है? कई दिन से पैदल चल के आ गए हो? भूल गए ना। खाना वाना? खाना पीना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपना जो गाँव है चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे लॉकडाउन में सड़कों पर निकले मजदूरों की कहानी। कोई 25 दिन में 2800 किलोमीटर पैदल चल अपने घर पहुंचा, तो किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। उन्हें जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था, वो ना जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वे घर लौटने को छटपटाने लगे। ट्रेन बस सब बंद थी, घर का राशन भी इक्का दुक्का दिन का बाकी था। जिन ठिकानों में रहते थे उसका किराया भरना नामुमकिन लगा। हाथ में ना के बराबर पैसा था और जिम्मेदारी के नाम पर बीवी बच्चों वाला भरा पूरा परिवार था, तो फैसला किया पैदल ही निकल चलते हैं। चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, यहाँ रहे तो भूखे मरेंगे। कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर, तो कुछ तीन पहियों वाले उस साइकिल रिक्शे पर जो उनकी कमाई का साधन था। जो फासला तय करना था वो कोई 20-50 किलोमीटर का नहीं, बल्कि 100-200 से लेकर 3000 किलोमीटर तक लंबा था। चलिए अब बात करते हैं अपनी जान गवा बैठे प्रवासियों के सफर और संघर्ष की 5 कहानियों की। पहली कहानी उस व्यक्ति की है जो मुंबई से 500 किलोमीटर दूर यूपी की ओर चल पड़ा, केवल मात्र बिस्किट खाकर। वो अपने घर तो पहुंचा, लेकिन उसकी मौत हो गई। मालिक हम लोग को भगा देता है, बोलता कि किराया दो, महीने का खाने का पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं लग रहा, हम लोग कैसे करेंगे। यूपी के श्रावस्ती जिले का इंसाफ अली मुंबई में एक मिस्त्री का हेल्पर था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो घर पहुंचने की ठानी। इंसाफ 13 अप्रैल को मुंबई से यूपी के लिए निकल पड़ा। 1500 किलोमीटर के सफर में ज्यादातर पैदल ही चला। बीच बीच में अगर कोई गाड़ी मिल जाती तो उसमें सवार हो जाता। जैसे तैसे 14 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को इंसाफ अपने गांव मटकनवा तो पहुंच गया, लेकिन वहां क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी दिन दोपहर में इंसाफ की मौत हो गई। पत्नी सलमा बेगम का कहना था कि इंसाफ ने उसे फोन पर बताया था कि वो सिर्फ बिस्किट खाकर ही जिंदा है।
दूसरी कहानी है मध्य प्रदेश के मोतीलाल साहू की, जो 1400 किलोमीटर दूर मुंबई से अपने घर के लिए तो निकला, लेकिन 60 किलोमीटर बाद ही दम तोड़ दिया। यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, कोई ना पैसे दे रहा ना खाने के लिए कुछ दे रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करते थे। जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब तक मोतीलाल मुंबई में ही रहे, लेकिन दूसरे फेज की घोषणा होने के बाद 24 अप्रैल को वो पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। उनका घर नवी मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मोतीलाल के साथ 50 और प्रवासी मजदूर भी थे। मोतीलाल खाली पेट ही चल पड़े थे। उन्होंने 60 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि रास्ते में ठाणे पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। तीसरी कहानी है बिहार के रामजी महतो की, जो दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर तो निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले रामजी महतो दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल्ली से बेगूसराय के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। उन्होंने 885 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया था। रामजी 3 अप्रैल को दिल्ली से निकले, लेकिन 16 अप्रैल को यूपी के वाराणसी में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया ही था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन घरवालों के पास पहुंचने के लिए रामजी बिना कुछ सोचे समझे पैदल ही निकल पड़े थे, उन घरवालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर रामजी का शव ले सके और उनका अंतिम संस्कार कर सके। बाद में वाराणसी पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पांचवी कहानी है 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफर तय कर गुजरात से असम पहुंचे जादू की। 39 साल के रणवीर सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना के बादफरा गांव के रहने वाले थे। 3 साल पहले पत्नी और 3 बच्चों के परवरिश के लिए दिल्ली आ गए थे। यहां आकर एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम भी किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया। इससे रणवीर दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल ही निकल गए। दिल्ली से उनके गांव तक की दूरी 300 किलोमीटर के आसपास थी। वे 200 किलोमीटर तक चल भी चुके थे, लेकिन 28 मार्च को रास्ते में ही आगरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके घर वालों का कहना था कि रणवीर की मौत भूख प्यास से हुई है, जबकि पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पैदल घर जाने वालों में एक नाम जादव गोगोई काफी है। वे असम के नागांव जिले में रहते हैं, लेकिन मजदूरी गुजरात के वापी शहर में करते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को जादव वापी से अपने घर आने के लिए निकल पड़े। 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 19 अप्रैल को आखिरकार जादव अपने घर पहुंच ही गए। 46 साल के जादव 4000 रुपए लेकर वापी से निकले थे, कभी पैदल तो कभी ट्रक वालों से लिफ्ट भी ली। ऐसा करते करते बिहार तक आ गए। बिहार से फिर पैदल ही असम भी पहुंच गए। इस खबर की HBN पूर्ण तरीके से पुष्टि नहीं करता, ये खबर केवल कुछ सूत्रों पर आधारित है।